हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरालीगल स्टडी। BA BC 171 अंडरस्टैंडिंग अम्बेडकर, उसका हमारा 9th यूनिट हम करेंगे, जो है कैपिटलिज्म एंड द स्टेट सोशलिज्म। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल साइंस में ये आइडियोलॉजी भी होती हैं, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। तो सबसे पहले तो इनका मतलब हमें जानना है, ठीक है। और दूसरा हमारा टारगेट है कि इस कोर्स में आपको पता है ये पूरा कोर्स अम्बेडकर की व्यू को लेके है पूरा कोर्स। तो इसमें हम देखेंगे कि अंबेडकर जो थे उन्होंने किस चीज़ को सपोर्ट किया, मीन्स वो कैपिटलिज्म के पक्ष में थे या सोशलिज्म के पक्ष में, ठीक है। वो पूरा हम इसमें देखेंगे। तो वही है, देखो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा इस यूनिट का। ऑब्जेक्टिव है द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्सड इकोनॉमी, इन सबको देखना, और अम्बेडकर का थॉट क्या था इन सबको लेके, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूँ, ये कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। सिंपल पहले एक लाइन में अगर समझे, कैपिटलिज्म का मतलब है जहाँ पे सारी जो इकोनॉमी है वो कंट्रोल की जाती है प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा, या फिर वहाँ पे मीन्स प्राइवेट इंडस्ट्री या प्राइवेटाइजेशन जहाँ पे ज़्यादा होता है ना, वो होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और USA उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। सोशलिज्म का मतलब होता है सभी की सभी जो इंडस्ट्री हैं वो कंट्रोल की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो होता है सोशलिज्म, या फिर उन्हीं को हम सोशलिस्ट स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। और थर्ड जो है वो है मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी इंडिया सबसे बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी सेक्टर ऐसे हैं जो प्राइवेट के लिए भी हैं, और काफ़ी सेक्टर ऐसे हैं जो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी, मीन्स गवर्नमेंट ने अपने हाथ में वो सेक्टर ले रखे हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है, मीन्स हमारे यहाँ प्राइवेट भी इंडस्ट्रीज़ हैं और गवर्नमेंट की भी अपनी इंडस्ट्रीज़ है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे यहाँ इंडिया में है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। और नेक्स्ट हम चलते हैं अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन पे। तो देखो, B.R. अम्बेडकर जो थे उनका फ्रीक्वेंटली मीन्स स्ट्रॉन्गली उनका ये बिलीव था कि डेवलपमेंट किसी भी कंट्री के लिए सबसे पहले, मीन्स कोई भी कंट्री जो डेवलप होना चाहती है उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि वो इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करे, और जो भेदभाव होता है अगर किसी भी पीपल के साथ, उन सबको वो ख़त्म करे, ठीक है, और पॉवर्टी जो है उसको इरेडिकेट करे, मीन्स रिमूव करे। ये किसी भी कंट्री का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, तभी वो डेवलप कर सकते हैं, अदरवाइज डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है। फिर है नेक्स्ट कि इनिशियल स्टेज में अगर हम देखें कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज थी, जैसे अगर बात करें इंडिया ही ले लो, तो इंडिया की जैसे और बहुत सारी कंट्री थी, उन्होंने स्टार्टिंग में इंडिया ने तो नो डाउट स्टार्टिंग से ही मिक्स्ड इकोनॉमी का रास्ता अपनाया था, लेकिन काफ़ी ऐसे देश थे जिन्होंने स्टार्टिंग में कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन अडोप्ट किया, ठीक है। लेकिन बाद में 60s और 70s में जाके उनको लगा कि नहीं, ये सही चीज़ नहीं है, तो फिर इकोनॉमीज जो हैं काफ़ी डेवलपिंग इकोनॉमीज, उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी के अप्रोच को ही सही माना। तो अम्बेडकर का जो इनसाइट था, जो व्यू था ना इकोनॉमिक सिस्टम को लेकर, वो थोड़ा सा अलग था। वो ना तो कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, ना वो सोशलिज्म को, ना वो मिक्स्ड इकोनॉमी को। तो ये बात आपको पहले क्लियर हो जानी चाहिए कि वो तीनों में से किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तभी क्वेश्चन आएगा, तो फिर वो उनका व्यू क्या था। तो देखो, पहले तो थोड़ा सा आगे समझते हैं। उन्होंने बोला कि आप इकोनॉमी देखो जो भी अपनाए, ठीक है, उनका जो मेन टारगेट था वो ये था कि इनइक्वालिटीज़ रिड्यूस हो, ठीक है। मीन्स अगर वो इनइक्वालिटीज़ किसी भी माध्यम को अपना के रिड्यूस हो रही है, तो वो सबसे बेस्ट मेथड है। तो उनका जो मेन टारगेट था, टारगेट जो था वो था इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना। इसके अलावा जो मार्जिनलाइज जो सेक्शन है, ठीक है, जो मीन्स नीचे तबके के लोग हैं, उनके हितों की रक्षा हो, और इसके अलावा जो राज्य है वो क्या करे, जो डाउन थ्रोडन है, मीन्स जो गरीब लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, उनका जो एक्सप्लोइटेशन होता है, उनके साथ जो भेदभाव होता है, वो कम से कम हो, उनकी रक्षा की जाए। तो ये राज्य का सबसे पहले अम्बेडकर ने मूल ऑब्जेक्टिव बताया कि कोई भी राज्य है उसको ये काम करना चाहिए, ठीक है, मीन्स इनइक्वालिटी को कम करना चाहिए, पॉवर्टी को रिड्यूस करना चाहिए, और जो डाउन थ्रोडन लोग हैं, डाउन थ्रोडन का मतलब ये होता है जो नीचे दबे कुचले तबके के जो लोग हैं, वो जो उनका एक्सप्लोइटेशन कम हो। यहाँ तक बात ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे है अम्बेडकर इकोनॉमीज व्यू मे इंश्योर बोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। देखो, मीन्स उन्होंने कहा कि मेरे लिए इकोनॉमी का जो सही मतलब है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पैरेलल ही बिल्कुल साथ साथ सोशल जस्टिस भी रहे। मीन्स ऐसा नहीं हो कि सिर्फ आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराए जा रहे हैं। जैसे अमेरिका का एग्जांपल ले लो, अमेरिका में क्या है कि वहाँ पे आपको पता है ब्लैक के साथ आज भी कहीं ना कहीं भेदभाव होता है, ठीक है। तो अम्बेडकर कह रहे हैं कि मैं ऐसे डेवलपमेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा जहाँ पे एक जो पर्टिकुलर वर्ग है उसके साथ भेदभाव हो,
तो वो ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहते थे। दूसरा सेम सोशलिज्म में ले लो, जैसे रशिया में सोशलिस्ट इकोनॉमी थी पहले, तो उन्होंने कहा कि ये मेथड भी सही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जब अपने हाथ में सारी पावर लेती है ना, तो कई बार गवर्नमेंट जो है वो एथोटेरियन रिजीम बन जाता है। उसका मतलब है कि गवर्नमेंट कई बार खतरनाक भी साबित हो सकती है, जैसे हिटलर के टाइम पे हुआ था। तो पूरी की पूरी पावर गवर्नमेंट के हाथ में देना भी गलत है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के हाथ में पावर तभी तक ठीक है जब तक वो डेमोक्रेटिक है। अब ध्यान से सुनना, अम्बेडकर ने बहुत ही एक अलग और बहुत ही ब्यूटीफुल जो बात है वो सुझाया। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट हो ना, पहली बात तो वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, मीन्स गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल, सबसे पहले तो ये चीज़, और वो प्रॉपर उसमें 5-5 साल में जैसे चुनाव हो, ठीक है। तो प्रोसेस जो है डेमोक्रेसी की, वो प्रॉपर इलेक्शन हो और सिस्टमेटिक, जो भी जैसे अब इंडिया में हो रहा है वो ऐसे ही कल्पना कर रहे थे। दूसरा उन्होंने कहा कि जो स्टेट है ना कंट्रोल करे जो मेन मेन इंडस्ट्री है, जैसे एग्रीकल्चर सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, और जैसे बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री जो ट्रेड से रिलेटेड है, तो ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल करे, ना कि प्राइवेट के हाथों में दे, ठीक है। और दूसरा मैंने बताया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ वो सोशल जस्टिस भी वो चाहते थे, तो उनका जो व्यू था वो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म से थोड़ा सा हटके था। फिर आगे चलते हैं कि ये जो प्रॉपर टॉपिक है ये है कैपिटलिज्म और अल्टरनेटिव अप्रोच। तो देखो अब तक इकोनॉमी के तीन ही सिस्टम हुए हैं, वो मैं आपको बता चुका। कैपिटलिज्म मीन्स सब कुछ प्राइवेट के हाथ में होगा, ठीक है, या प्राइवेटाइजेशन हुआ, कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन। सोशलिज्म मीन्स ऑल इंडस्ट्री कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स जहाँ दोनों चीज़ें होंगी। तो तीन ही इकोनॉमी के सिस्टम अभी तक हुए हैं, तो इसमें अभी तीनों के बारे में वो थोड़ा थोड़ा बताएगा। जैसे अकॉर्डिंग टू जॉन स्टुअर्ट मिल, पॉल रॉबर्ट, तो एक सो डायरेक्ट आप याद रख सकते हो, अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट पॉल एंड रॉबर्ट, इन्होंने कहा कि जो इकोनॉमी, ये मीन्स ये जो तीनों लोग हैं ना, ये कैपिटलिज्म के पक्षधर थे। तो इन्होंने कहा कि कोई भी जो इकोनॉमी मीन्स हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रोड्यूस क्या करना है ये हमें पता हो, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है और कौन उसको रिसीव करेगा। मीन्स ये प्योर जो बात करते हैं वो प्रोडक्शन की, उसके एलोकेशन मीन्स बंटवारे की, और कैसे कैसे उन गुड्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, इनकी बात की इन तीन थिंकर ने, ठीक है। और ये तीनों के तीनों कैपिटलिज्म के पक्षधर थे, यहाँ तक ठीक है। तो कैपिटलिज्म का मतलब ही है, ये देखो यहाँ पे है कि कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमी सिस्टम बेस्ड ऑन द प्राइवेट ओनरशिप, जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप हो प्रोडक्शन में भी, और जो प्रॉफिट हो वो भी प्राइवेट प्लेयर के हाथों में जाए, तो ये सब कैपिटलिज्म में होता है, ठीक है। तो देखो द मेन कैरेक्टर ऑफ कैपिटलिज्म इज प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड मेकिंग इंडिविजुअल प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इसमें प्रॉब्लम ये थी इनइक्वालिटीज इससे होती है, क्योंकि जो अमीर वर्ग है, या मैं कहूँ जो पैदावार कर रहा है, जो इंडस्ट्री का मालिक है, वो तो अमीर होता जाता है समय के साथ, लेकिन जो मजदूर वर्ग है, लेबर वर्ग है, वो हमेशा पिछड़ता जाता है। तो एक्सप्लोइटेशन इसमें बहुत ज़्यादा होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, तो अम्बेडकर इसके भी पक्ष में नहीं थे। सोशलिज्म मैंने बात की, उसमें क्या होता है, इन दिस इकोनॉमिक सिस्टम द स्टेट टेक्स ए लीड रोल इन द प्रोडक्शन, कि जितना भी प्रोडक्शन होगा और फिर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, जो बंटवारा होगा वो सारा राज्य देखेगा, सारी पावर राज्य के हाथ में होगी, और इसमें कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई भी प्राइवेट प्लेयर नहीं होगा। और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों चीज़ें मिक्स में होती हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। तब देखो यहाँ पे क्या है कि अम्बेडकर डिड नॉट सपोर्ट नाइदर कैपिटलिज्म नॉर सोशलिज्म, ठीक है। ही बिलीव दैट कैपिटलिज्म ओनली बेनिफिट, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा ना कि ना मैं कैपिटलिज्म को मानता हूँ ना सोशलिज्म को। तो उन्होंने तर्क क्या दिया, उन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म जो है वो सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों का ही फायदा करता है, और उससे इनइक्वालिटीज आती है समाज में, मीन्स कुछ मुट्ठी भर लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, और बहुत जो लार्ज अमाउंट में जो लोग हैं वो गरीब के गरीब रह जाते हैं। तो वेल्थ सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाती है कैपिटलिज्म में, इसलिए वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है। तो यही है पूरा इस कैपिटलिज्म के बारे में अम्बेडकर का व्यू, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जो लो स्टार्टर का मतलब होता है जो लो तबके के, जो लो पोजीशन में जो लोग हैं, जैसे वर्कर मजदूर, उन सब की सोसाइटी में जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा नीचे हो जाती है, और वो गरीब के गरीब रह जाते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। फिर अम्बेडकर ने ये भी माना कि जो कैपिटलिज्म होते हैं उसमें प्राइवेट ओनरशिप के हाथ में सारी पावर आने के कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मासिस का मतलब होता है लोग, पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को होते हैं मासिस। तो मासिस मीन्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए ये
जो कैपिटलिज्म जो कॉन्सेप्ट है ये थ्रेट मीन्स एक मुश्किल खड़ी कर सकता है इन फ्यूचर। फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी उपक्ष में नहीं थे क्योंकि उन्होंने कहा कि कई बार सोशलिस्ट इकोनॉमी में ये होता है कि जो सरकार है अगर वो गलत हुई मीन्स उसका जो सरकार के जो लीडर हैं और या फिर जो ऊपर जो मीन्स जो अध्यक्ष हैं गवर्नमेंट में सबसे ऊपर ठीक है वो अगर गलत हुए तो उससे भी कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और वो राज्य फिर कई बार अथॉरिटेरियन का मतलब ये होता है जहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं होती और इलेक्शन वगैरह जिसमें कोई प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होते ठीक है, तो वो प्रॉब्लम कई बार क्रिएट हो जाती है ठीक है। तो ये यहाँ तक है। फिर नेक्स्ट है स्टेट सोशलिज्म। तो अम्बेडकर ने कहा कि जो राज्य होता है ना उसका सबसे मेन काम है कि वो पॉवर्टी को ख़त्म करे और एक्सप्लोइटेशन जो है कि जिन भी लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है किसी भी रूप में चाहे वो सोशल रूप में इकोनॉमिकल रूप में उसको ख़त्म किया जाए, ये गवर्नमेंट का या राज्य का स्टेट का मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और यहाँ पे देखो उन्होंने क्या कहा है कि ही बिलीव दैट द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वुड ब्रिंग टू ह्यूमन बींग्स ठीक है, कि जो गवर्नमेंट हो वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो मीन्स इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल। और आपको देखो कॉमन सेंस भी लगानी है, अम्बेडकर होंगे तो कॉमन सेंस है ये, वो डेमोक्रेसी की बात तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि उनसे बड़ा आपको डेमोक्रेसी का पक्षधर कोई नहीं मिलेगा ठीक है। तो डेमोक्रेसी को जरूर मानते थे, बस उन्होंने ये कहा कि राज्य जो है उसका मेन काम है वेलफेयर करना, जो जो मासीज हैं जो गरीब पीपल हैं उनको इक्वल लेके आना, उनकी पोजीशन को बेहतर बनाना, उनकी सिचुएशंस को सुधारना ठीक है, और उनकी वेलबींग उनकी हैप्पीनेस उनकी एजुकेशन के लिए काम करना। और फिर नेक्स्ट है कि देखो भाई है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैज़ प्रोग्रेस्ड बाय एक्सपेंडिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल राइट। आप ज़्यादा से ज़्यादा इक्वालिटी पे जोर दें, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी पैदा करें और लोगों के अधिकारों के लिए आप बात करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर लाइफस्टाइल और लाइवलीहुड एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, ये काम होना चाहिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ठीक है। और उन्होंने एक बुक भी लिखी था जिसका नाम है स्टेट एंड माइनॉरिटी, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप ध्यान रखें इस बुक को, स्टेट एंड माइनॉरिटी उन्होंने बुक लिखी थी 1947। उस बुक में भी उन्होंने यही कहा था कि मैं क्या चाहता हूँ, ही प्रपोज्ड ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर फॉर इंडिया इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट सोशलिज्म विद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। प्लीज़ इसको ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो पॉइंट है ठीक है। कि उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ स्टेट एंड माइनॉरिटी बुक का नाम है, उस बुक में देखो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट सोशलिज्म। तो सोशलिज्म तो वो चाहते हैं मीन्स गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, लेकिन वो जो गवर्नमेंट जो बने ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल के थ्रू बने मीन्स प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बने और पार्लियामेंट्री मीन्स लोग उसको चुने, इसमें अंतर है। रशिया में याद रखना जो सोशलिस्ट जो गवर्नमेंट थी ना उसको उसमें नहीं चुना था मीन्स पीपल ने वहाँ पे नहीं चुना था ठीक है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो इन्होंने कहा सबसे पहले मैं चाहता हूँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मीन्स लोग चुनाव करें अपनी सरकार का जैसे अभी होता है प्रॉपर इंडिया में, और फिर जो राज्य जो गवर्नमेंट बने वो सोशलिस्ट थोड़ा ज़्यादा हो ठीक है ना, ध्यान रखना कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे और विद द हेल्प ऑफ क्या कैसे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रास्ते हैं जो प्रॉपर संविधान में जो चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग ठीक है, ना कि अपने मनमाने तरीके से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको जरूर आंसर में लिखें कि अम्बेडकर प्रपोज्ड ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर फॉर इंडिया इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट सोशलिज्म विद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है फिर उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है वो देखे कि जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग जिनके फंडामेंटल राइट हनन हुए हैं या फिर जिनको किसी भी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या अदर सोशल प्रॉब्लम है, तो उन सबको टैकल करे, उन सबको रिमूव करने का काम गवर्नमेंट करे। तो हमेशा वो डाउन ट्रोडन और जो नीचे तबके के लोग हैं उनके अपलिफ्टमेंट की बात तो वो हमेशा से अम्बेडकर के व्यू में रही है ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अगला पॉइंट अम्बेडकर ने कहा कि एग्रीकल्चर जो है ना उस पर पूरा कंट्रोल हो स्टेट का। क्यों? क्योंकि देखो अम्बेडकर ने देखा था हिस्ट्री में भी कि पहले जो ये जमींदार वर्ग जो थे जिनके पास जमीन होती थी वो पावर खुद हाथों में लेके और किसानों का शोषण करते थे, और ब्रिटिशर ने भी यही किया, आपको अच्छे से पता है ठीक है, कि जो ब्रिटिशर थे उन्होंने भी किसानों से बहुत ज़्यादा उनका शोषण किया, उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे,
अम्बेडकर ने कहा कि एग्रीकल्चर एक बहुत जरूरी इंडस्ट्री है, तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो पूरा का पूरा कंट्रोल हो गवर्नमेंट के हाथों में, ठीक है ना। तो वही है, अम्बेडकर फेवर स्टेट ओनरशिप इन द एग्रीकल्चर। ठीक है, आगे है कि ये सब पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि उनके ट्रिपल ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। वो चाहते हैं कि सोशलिज्म कॉन्सेप्ट अपना के इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अगर हम रखेंगे, मीन्स प्रॉपर चुनाव के साथ जब गवर्नमेंट बनेगी तो उससे लिबर्टी आएगी, मीन्स इक्वालिटी आएगी, ठीक है, और राइट मिलेंगे लोगों को अपने, और डिक्टेटरशिप उससे अवॉइड होगी। देखो मैं आपको इस चीज़ को दोबारा बता दूँ, वो आप कहेंगे कि ये तो अम्बेडकर सोशलिज्म को मानते हैं, फिर तो नहीं। आप याद रखें, सोशलिज्म में अम्बेडकर ने कहा कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है जैसे रशिया में, तो वहां पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के तहत वो गवर्नमेंट नहीं बनी थी, ठीक है। तो वो कई बार डिक्टेटरशिप की ओर वो रास्ता चला जाता है, मीन्स उसमें सरकार में कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं सत्ता में सबसे टॉप पे, जो पूरे देश को डिक्टेटरशिप में तानाशाही पे उतर आते हैं। जैसे अभी नॉर्थ कोरिया में ले लो, कि वहां पे सारी इकोनॉमी को कंट्रोल कौन करता है, वहां के वो जो किम जोंग उन है वो। सेम चाइना में ले लो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, चाइना में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं है, तो वो रास्ता अम्बेडकर नहीं चाहते थे। अम्बेडकर चाहते थे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो, और फिर उस वो जो डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट बने वो सोशलिस्ट विचारधाराओं की, मीन्स वो इक्वेलिटी पे जोड़ दे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज आप इस अंतर को ध्यान रखें। फिर अम्बेडकर व्यू ऑन द स्टेट सोशलिज्म, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो स्टेट का काम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराना, और इसके साथ साथ स्टेट का काम है जो वल्नरेबल है, जो पुअर सेक्शन के जो लोग हैं उनके बेनिफिट के लिए काम कराना, दोनों काम पैरेलल लेके चले। अम्बेडकर ने कहा है कि पैरेलल होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी और सोशल जस्टिस भी, ठीक है ना। तो ये पूरा आप अच्छे से देख लेंगे, बिल्कुल वो की वो पॉइंट है। नेक्स्ट उन्होंने जैसे कुछ अपने पॉइंट रखे थे कि एग्रीकल्चर जो है वो पूरी स्टेट के हाथों में हो, मैं बता चुका। इसके अलावा जो की इंडस्ट्री मीन्स जैसे हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन है, और जो इम्पोर्टेंट जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी सरकार ही पूरा उसका देख रेख करे। इसके अलावा उन्होंने एक प्रपोजल दिया था कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो सभी एडल्ट सिटीजन की, ताकि हेल्थ को लेके इशू वगैरह ना आए, और गरीब लोग जो बेचारे कई बार पैसे की कमी के कारण अपना इलाज नहीं करा पाते, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सबके को मिलनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो एग्रीकल्चर जो लैंड है उसका जब डिवीज़न हो ना, तो वो एक स्टैंडर्ड साइज के साथ हो। जैसे अभी देखो क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है इंडिया में, इंडिया में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कुछ किसानों के पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है, और बहुत सारे मेजोरिटी में ऐसे किसान हैं जिनके पास ज़मीन बहुत कम है, जैसे 1 किला, आधा किला, 1.5 किला, सिर्फ इतनी ज़मीन है मैक्सिमम, मीन्स अगर मैं कहूँ 80% किसानों के पास, और 10% किसान ऐसे होंगे जिनके पास 1 किला से लेके 2, 4 किला, 5 किला इतनी ज़मीन होगी, मीन्स उससे थोड़ी सी ज़्यादा, और सिर्फ कुछ ही 5-10% ही ऐसे किसान हैं जिनके पास बेथा जमीन है। तो वो जो उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर जो है ना सर्वे अच्छे से किया जाए, और जो लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो ना वो भी स्टैंडर्ड साइज के आधार पे हो, और स्पेशली ध्यान से देखो आगे, स्पेशली जो लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, मीन्स जब लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो ना तो सभी को वो जमीन दी जाए। ऐसा नहीं है कि कोई सेम वो SC ST है तो उसको जमीन कम दी जाए या उसको दी ही नहीं जाए, तो ऐसा वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो इक्वल हो और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हो, ठीक है ना, ये है। और लास्ट में उन्होंने फिर पॉइंट किया है कि इक्वल जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा वेल्थ का भी लैंड का भी, तभी सही मायने में जो देश है वो डेवलप होगा, और तभी सही मायने में जो सोशल जस्टिस है वो एस्टेब्लिश होगा, ठीक है। तो ये है पूरा उनका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। खूब सारी मेहनत करें, हमेशा बड़े सपने देखें, और लड़कियों की रिस्पेक्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच।